हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीको सी एस स्टूडेंट। आज मैं जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है जी मॉडल। जी मॉडल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस डिस्कस अबाउट इट। जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल इज डेवलप बाय जीई विद द असिस्टेंस फ्रॉम मैकेंजी एंड कंपनी। तो ये किसने डेवलप करा था? जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने डेवलप करा था विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी एंड कंपनी। मैकेंजी एंड कंपनी कंसल्टेंसी फर्म है, या आप गूगल करके भी देख सकते हो, मैकेंजी एंड कंपनी डाल के गूगल पे आपको मिल जाएगा। इन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल बनाया था विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडल। फिर इट इज वेरी सिमिलर टू बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। तो ये बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स की तरह ही है, उसके जैसे ही है। तो आप बीसीजी अगर आपने पढ़ रखा है तो बढ़िया है, अगर नहीं पढ़ रखा तो आप इस चैनल में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसमें जाकर बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि बीसीजी मैट्रिक्स होता क्या, अगर आपको नहीं है नॉलेज उसके बारे में। तो दिस मॉडल यूज टू फैक्टर्स व्हाइल टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जो कि बिजनेस स्ट्रेंथ होती है एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस। तो दो फैक्टर्स यूज करता है, बिजनेस स्ट्रेंथ एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस। इट इज ऑल्सो टू डायमेंशनल मैट्रिक्स। तो ये बीसीजी की तरह भी ये भी टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है। तो इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेस पोजीशन, जो कि तीन तरह की हो सकती है, स्ट्रांग, एवरेज, वीक। स्ट्रांग, एवरेज, वीक। और वर्टिकल, इन वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट मार्केट अट्रैक्टिवनेस, जो कि हाई, मीडियम, लो। तीन तरह की होती है, हाई, मीडियम, लो। और बीसीजी में क्या था? बीसीजी में मार्केट शेयर था और मार्केट ग्रोथ था, जो कि सिर्फ हाई और लो होती थी। हाई और क्या होता था? हाई और लो। मार्केट ग्रोथ भी हाई लो, मार्केट शेयर भी हाई लो देखते थे। वहां पे चार तरह के प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स को चार तरह के में डिवाइड करता, स्टार, क्वेश्चन मार्क, डॉग और कैश स्टॉक। होप सो आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल में ही है। फिर दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस प्लानिंग मॉडल, जी नाइन सेल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, जी नाइन सेल मैट्रिक्स, बिकॉज जो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो बनते हैं, नाइन बॉक्सेस बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 3x3 मैट्रिक्स आई है। जी इलेक्ट्रिक मॉडल भी बोलते हैं इसको, जी मैकेंजी मॉडल। मैकेंजी मॉडल मतलब कि मैकेंजी एंड कंपनी ने डेवलप करा था, इसको मैकेंजी मॉडल भी बोलते हैं इसको। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये ट्रैफिक सिग्नल से कैसे इंस्पायर हुई है। दिस मॉडल इज इंस्पायर फ्रॉम ट्रैफिक कंट्रोल लाइट, ट्रैफिक लाइट यूज इन ट्रैफिक सिग्नल्स लाइक रेड, येलो, ग्रीन। रेड के लिए हम, जब हम रेड सिग्नल में देखते हैं, रेड लाइट होगी तो हम रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। येलो लाइट देखते हैं तो कॉशन, मतलब सावधान हो जाते हैं। और अगर ग्रीन लाइट होती है तो हम चल पड़ते हैं, ठीक है। तो इधर क्या है, जी मॉडल ने क्या बोला, अगर रेड है तो आप क्या करो, बिजनेस में डाइवेस्ट कर लो। अगर प्रोडक्ट है रेड जोन में तो आप क्या करो, डाइवेस्ट करो या हार्वेस्ट कर लो। अगर येलो जोन में प्रोडक्ट है आपका तो प्रोटेक्ट करो उसको, ठीक है, और उसकी अपॉर्चुनिटीज को बुलाओ जब तक वो भूनती हैं, जब तक वो अपॉर्चुनिटी आपको हेल्प कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने में तब तक करो। अगर वो रेड जोन में आ रहा है तो आप डाइवेस्ट कर सकते हो। फिर ग्रीन जोन में देखो तो इन्वेस्ट करो, ग्रोथ है तो इन्वेस्ट करो। फिर यहीं पे मैंने आपके साथ ये मैट्रिक्स बना के मैं डिस्कस करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है, इसमें एक्स एक्सिस में मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है बिजनेस पोजीशन, स्ट्रांग, मीडियम, वीक, या फिर स्ट्रांग, एवरेज, वीक। मार्केट अट्रैक्टिवनेस हाई, मीडियम, लो। अगर आपका ये ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन है तो ये वाला जोन है, ये वाला जोन है, ये वाला जोन है, तो आप क्या करोगे, आप इन्वेस्ट करोगे ग्रीन जोन में। अगर आपका ये येलो जोन है, ये दिख रहा होगा आपको येलो जोन, तो अगर ये वाला जोन है तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। और अगर ये रेड जोन है, ये वाला, ये रेड जोन है, तो आप क्या करोगे, डाइवेस्ट करोगे। क्या करोगे, डाइवेस्ट या फिर हार्वेस्ट, ठीक है। तो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि इसमें अंदर लिखने के लिए याद कैसे करें। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो, इन्वेस्ट, प्रोटेक्ट, डाइवेस्ट, इन्वेस्ट, प्रोटेक्ट, डाइवेस्ट, डायगोनली चले और एक बार डायगोनली प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे दो बचे वहाँ पे इन्वेस्ट, और यहाँ पे दो जो बचे वहाँ हार्वेस्ट। तो इन्वेस्ट, प्रोटेक्ट, डाइवेस्ट, प्रोटेक्ट, 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 इन्वेस्ट और हार्वेस्ट, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, आपको ये मैट्रिक्स याद हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बीसीजी मैट्रिक्स की तरह सिमिलर क्यों है और क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब कि उसमें और जी मैट्रिक्स में। ये एक तरह से एडवांसमेंट है, मतलब एक तरह से हमने इम्प्रूवमेंट करी बीसीजी मैट्रिक्स में, तो हमें जी मॉडल मिला। दिस मॉडल इज कंसिडर एज सिमिलर टू बीसीजी मैट्रिक्स बट सर्टेन डिफरेंस आर एग्जिट, मतलब कि कुछ डिफरेंस फिर भी हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मार्केट अट्रैक्टिवनेस दिखाई है, वहाँ पे क्या था, मार्केट ग्रोथ शेयर, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्केट अट्रैक्टिवनेस दिखाई है, वहाँ पे मार्केट, मतलब वर्टिकल एक्सिस में मार्केट अट्रैक्टिवनेस दिखाई है, वहाँ पे क्या था, बीसीजी में मार्केट ग्रोथ रेट था। फिर यहाँ पे बिजनेस पोजीशन या फिर कॉम्पिटेटिव पोजीशन दिखाई है, या फिर बिजनेस ट्रेंड दिखाई है, तो वहाँ ये रिप्लेस कर दिया किससे, मतलब वहाँ पे बीसीजी में क्या था, मार्केट शेयर, रिलेटिवली मार्केट शेयर।
दिस मॉडल इज द एडवांसमेंट ओवर द बीसीजी मैट्रिक्स, एक तरह से एडवांसमेंट है, ठीक है, इंप्रूवमेंट करी हमने बीसीजी मैट्रिक्स में, तो ये वो है। तो जी मॉडल आपको होपसो समझ आया होगा, अगर आपको समझ आया प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को और प्लीज लाइक करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगनी है वीडियोस। थैंक यू, होपसो यू लाइक इट।